Hi guys, I hope you all are doing fine. This is the second video for class 7, chapter 10, respiration in organisms. In the last video, we had discussed the cellular respiration, aerobic and anaerobic respiration. I hope you all got the differences between aerobic and anaerobic respiration. If you have any doubts regarding that, you can leave your doubt in the comment section. Today, I'm here with a new question. My question is, why does the breathing rate differ for different situations? जब हम बैठे होते हैं, तो breathing rate कुछ और होता है. जब हम भाग रहे होते हैं, तो breathing rate कुछ और होता है. जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो breathing rate कुछ और होता है. ये same क्यों नहीं होता हर एक situation के लिए, हर एक condition के लिए? Change क्यों होता रहता है? Think. इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रीदिंग रेट होता क्या है. ओके, ब्रीदिंग रेट समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. तो लेट्स हैव अ लुक एट द टर्म्स फर्स्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीदिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ब्रीदिंग वेरी सिंपल. Breathing is the process of taking in air which is rich in oxygen and giving out air which is rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. ठीक है, इसके बाद दूसरा टर्म जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज inhalation. Inhalation मतलब when we breathe in, जब हम सांस अंदर लेते हैं उसको हम inhalation कहते हैं. ठीक है, सो इन्हेलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इन्हेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी. ओके, इसके बाद दूसरा टर्म है एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन क्या होता है? जब हम सांस छोड़ते हैं, व्हेन वी एक्सहेल. ओके, सो दैट मींस द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. क्लियर? नाउ ये जो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, दे टेक प्लेस ऑल्टरनेटिवली. पहले आप इन्हेल करते हो, फिर एक्सहेल करते हो. पहले सांस अंदर लेते हैं, फिर सांस बाहर छोड़ते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है, इट टेक्स प्लेस ऑल्टरनेटिवली. नेक्स्ट कम्स द ब्रीदिंग रेट. ब्रीदिंग रेट क्या होता है? कि एक मिनट में एक इंसान कितनी बार सांस ले रहा है, दैट इज़ द ब्रीदिंग रेट. The number of times a person breathes in 1 minute. और सांस को हम कैसे गिनेंगे? One breath is equal to one inhalation plus one exhalation. है ना, एक सांस पूरी तो वही होगी ना. पहले सांस अंदर लेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे. ये तो है ना, उसको अंदर लेके बैठे ही रहेंगे, बाहर भी जाएगी ना, तभी तो सांस लेने की प्रोसेस पूरी होगी. सो वन ब्रेथ इज वन इन्हेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन. तो हम ब्रीदिंग रेट कैसे काउंट करते हैं? द नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीद. ठीक है, तो इन्हेलेशन प्लस एक्सहेलेशन एक मिनट में ब्रीदिंग रेट हो गया. ठीक है, अब ये जैसे मैंने पहले बोला था, ब्रीदिंग रेट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिचुएशंस. जब आप बैठे हुए हो तो ब्रीदिंग रेट कुछ और होगा, जब आप भाग रहे हो तो ब्रीदिंग रेट कुछ और होगा. आपको क्या लगता है, ब्रीदिंग रेट कम ज़्यादा कब होगा? व्हेन इट विल बी हाई, व्हेन इट विल बी लो? थिंक. यस, एब्सोल्युटली. ब्रीदिंग रेट तब ज़्यादा होगा जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, है ना. जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था, जब हम कुछ हैवी एक्सरसाइज करते हैं या ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जिसमें बहुत एनर्जी यूज़ हो जाती है, तो हमारे मसल्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि मोर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, है ना. तो जब हम भागते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है. जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं, आराम से बैठे होते हैं, तो हमारा ब्रीदिंग रेट कम होता है कंपैरेटिवली. ठीक है, तो इस वजह से डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी एनर्जी चाहिए उस टाइम पे, द ब्रीदिंग रेट डिफर्स. आई होप दिस इज क्लियर. सो मूविंग ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी ब्रीथ. हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है? ठीक है,
तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सांस अंदर ली, वी टेक इन द एयर. ओके, सो द एयर कम्स इन, इट एंटर द नोस्ट्रल्स. ठीक है, नोस्ट्रल से हमने सांस अंदर ली, देन इट एंटर्स द नेजल कैविटी. फ्रॉम द नेजल कैविटी इट गोज टू द विंड पाइप, एंड फ्रॉम द विंड पाइप इट गोज टू द लंग्स. है ना, बहुत छोटा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. कैसे शुरू होता है, हमने अपनी नोज से एयर, वी ब्रीद इन फ्रॉम आर नोज, सो नोस्ट्रल्स, हमारे नोज में जो नोस्ट्रल्स होते हैं, वी टेक द एयर थ्रू द नोस्ट्रल्स विच एंटर्स द नेजल कैविटी, देन इट एंटर्स द विंड पाइप, एंड फ्रॉम द विंड पाइप इट गोज टू द लंग्स. ठीक है, विंड पाइप एक ही होती है और लंग्स दो होती हैं. ठीक है, अब लंग्स का लोकेशन कहाँ पे है, लंग्स कहाँ होती है, लंग्स इज प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. है ना, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होती है और इट इज़ सराउंडेड बाय द रिब्स. इसकी प्रोटेक्शन के लिए रिब्स हमारी लंग्स को प्रोटेक्शन भी देती हैं. तो द लंग्स आर सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन द साइड्स एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. और नीचे फ्लोर कौन बना रहा होता है कैविटी का, कैविटी का फ्लोर जो बन रहा होता है दैट इज़ मेड अप बाय द डायफ्राम. ठीक है, डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर. डायफ्राम होता क्या है, डायफ्राम कुछ नहीं होता है, बस एक मस्कुलर शीट है. ठीक है, एक शीट है विच इज़ मेड अप ऑफ मसल्स और उसके मूवमेंट से एयर अंदर और बाहर जाती है. वो कैसे होता है वो अब हम अब समझ लेते हैं. तो जब हम सांस अंदर लेते हैं, व्हेन वी इनहेल, तो ये जब हमें सांस अंदर लेनी होती है तो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अंदर लेनी होती है ना, ताकि हम एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है अपनी बॉडी को सप्लाई कर सकें. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारी चेस्ट कैविटी को बढ़ाना पड़ता है ना. तो आप इमेजिन करो चेस्ट कैविटी में कैसा है, चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर है वो डायफ्राम से बना हुआ है और जो उसकी साइड्स हैं वो रिब से बनी हुई हैं, है ना. तो अगर हमें इसे बड़ा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिब्स को हमें थोड़ा बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा और डायफ्राम को नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा, है ना. तो एग्जैक्टली यही होता है जब हम सांस लेते हैं. ड्यूरिंग इन्हेलेशन द रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. ठीक है, द रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन. तो चेस्ट कैविटी क्या हो गई, एक्सपैंड हो गई, बड़ी हो गई, है ना. तो इस चेस्ट कैविटी में हम ज़्यादा एयर इनहेल कर सकते हैं. ठीक है, सो द एयर कम्स रशिंग इन. ठीक है, सो दिस इंक्रीजेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड द एयर रशेस इन. ठीक है, और एक्सहेलेशन के टाइम हम क्या करते हैं, एक्सहेलेशन के टाइम हमें चेस्ट कैविटी को छोटा करना है, हमें उसे पिचकाना है ताकि हवा बाहर चली जाए. तो पिचकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिब्स को अंदर की तरफ लेना पड़ेगा और डायफ्राम अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, ऐसा करना पड़ेगा, है ना. तो एग्जैक्टली यही होता है एक्सहेलेशन में. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स. ठीक है, एंड डायफ्राम मूव्स कम्स बैक टू इट्स फॉर्मर पोजिशन. जो उसकी पहले पोजिशन थी वो उसी पोजिशन में वापस आ जाता है. तो हमारी चेस्ट कैविटी का साइज़ कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, दैट इज़ पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स. ओके, क्लियर. सो जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था इस चैप्टर में, फॉर द फर्स्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर, वो ये था कि अलोम विलोम करने से ऐसा क्या होता है जिससे हमारी ब्रीदिंग, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है और हम, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है. अलोम विलोम करने से ये जो प्रोसेस है और जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी है कि वो एक बार में कितनी ऑक्सीजन अंदर ले सकती है, कितनी हवा अंदर ले सकती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो बेटर हो जाती है. हमारी लंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क करता है. और जितनी अच्छे से हम सांस लेंगे
उतनी अच्छी अमाउंट में ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सारे सेल्स में पहुंचेगी, है ना। तो उस वजह से क्या होगा, उतनी अच्छे से हमें एनर्जी मिलेगी, और जितनी अच्छी एनर्जी हमें मिलेगी उतनी हमारी इम्यूनिटी बेटर होगी। तो अलोम विलोम करने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है, जिसकी वजह से हम ओवरऑल हमारी बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग और इम्यून बनती है। ओके, क्लियर। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर वी ब्रीदिंग आउट, है ना। व्हाट डू वी ब्रीद इन, हम क्या ब्रीद इन करते हैं, हम एयर ब्रीद इन करते हैं, है ना। हमें एयर का कॉम्पोजिशन तो पता ही है, उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर इनहेलिंग, दिस इज़ व्हाट वी आर ब्रीदिंग इन, टेकिंग इन। बट व्हाट डू वी ब्रीद आउट, है ना। व्हेन वी ब्रीद आउट, कभी कभी क्या होता है, व्हेन यू आर गेटिंग रेडी एंड यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड व्हेन यू कम क्लोज टू द मिरर एंड यू ब्रीद आउट, तो क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं ऑन द मिरर। सो दैट शोज कि व्हाट वी ब्रीद आउट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। उसमें वाटर वेपर भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, सब कुछ होता है, ओके। लेकिन कॉम्पोजिशन क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक एट द कॉम्पोजिशन। उसके कॉम्पोजिशन में ऑक्सीजन कम हो जाती है, हमने ब्रीदिंग की थी 21%, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन यूज़ कर ली है तो अब वो कम हो गई है, 16.4%। हमने ब्रीद इन किया था 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो इंक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, सो उसकी कॉम्पोजिशन बढ़ जाती है 4.4%। ओके, क्लियर। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, एंड अगर कोई डाउट है तो यू कैन लीव इट इन द कॉमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब टू आर चैनल स्कूल रूम ऑनलाइन एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। See you next time.